तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही एक प्रतिष्ठित एग्जाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए जिले भर में चर्चा बटोरी थी और फिलहाल कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की हाल ही में वापस हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। महीनों तक जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। मगर 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की को प्यार हुआ था, मगर प्यार में उसे धोखा मिला और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने की पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी, लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और घटना के पीछे की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आप खुद को और अपनों को भी सुरक्षित रख पाएं, इसलिए भी इस केस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, मगर पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के बलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती हैं। एक समय बाद मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती हैं। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्जाम क्लियर करना था। इसी एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती हैं। मौसी के पास आने के पीछे का कारण था कि यहां रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यहां रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती हैं, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन दो दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के और मोनिका की आंखें चार होने लगती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्जाम भी आता है और वो IELTS एग्जाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घरवाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती हैं। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती हैं। अभी मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील फोन पर मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका महज 17 दिनों बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती हैं। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती हैं। यहां आने के बाद वो अपने लवर सुनील से मिलती हैं और ये दोनों चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती हैं। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। अब अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती हैं, मगर उसके व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उसके परिवार से कोई उसे फोन करता था तो मोनिका अक्सर कॉल काट दिया करती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीने तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों का फोन उठाना तक बंद कर देती है। यहां तक कि कोई करीबी रिश्तेदारों के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में भी डाल देती है। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब अगले कई दिनों तक मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है।
अंत में मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर गन्नौर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर अब इस केस की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। रोहतक आईजी इस केस की जांच भिवानी सीआईए टीम को सौंप देते हैं। अब पुलिस सबसे पहले इस केस के प्राइम एक्यूज्ड सुनील की तलाश में लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं अता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में कहीं से पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके उत्तर प्रदेश से ही 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील पुलिस के सभी आरोपों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस सुनील की मीठी बातों में आने की बजाय अपने अंदाज में पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की सख्ती के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपनी मौसी के यहां पढ़ने के लिए आई थी। तब सुनील मोनिका के मौसी के यहां से दूध लेने आया जाया करता था। यहीं मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती हैं और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहां तक कि रक्षाबंधन के मौके पर मोनिका सुनील को राखी भी बांधती है, मगर दोनों राखी के कसम को लंबे समय तक निभा नहीं पाते हैं और पवित्र रिश्ते को दागदार करते हुए एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी करने तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील पुलिस पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल महीने में एक बार फिर से उसे जबरदस्ती कनाडा से बुला लेता है और साथ में ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों को नहीं देती है। यही वजह थी कि मोनिका ने अपने परिवार वालों से फोन पर बात करना अवॉइड करना शुरू कर दिया था और कई करीबी रिश्तेदारों को ब्लॉक भी कर दिया था। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया की नजरों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार रहता है, मगर समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब हर पल इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच किसी तरह दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से झंझारा स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों की इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील कार में रखा अपना पिस्तल निकालता है और एक सुनसान जगह पर कार खड़ी करने के बाद 2 गोलियां मोनिका की खोपड़ी में मार देता है। सुनील के बयान के अनुसार गोली मारने के बाद वो लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को इसी तरह कार में छुपाकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद अच्छे से उसे कवर कर देता है। वो लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम करने लगता है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों ना लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद अगली सुबह सुनील अपने घर पर कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग एक 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। मजदूर जब इस गड्ढे खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें बातों में उलझाकर बस गड्ढा खोद कर जाने के लिए कह देता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के चले जाने के बाद सुनील बड़ी सावधानी से कार से शव को उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक नहीं लगती है और वो अगले कई महीनों तक अपनी जिंदगी जीता रहता है। सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं और फिर उसी की निशानदेही पर भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद पुलिस मोनिका की कंकाल को बरामद भी कर लेती है। उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है।
पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा ये होता है कि 22 साल की मोनिका, जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके दो बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की ही निशानदेही पर वो पिस्तल भी बरामद कर लेती है, जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक लैब की जांच में खुलासा होता है कि उसी पिस्तल से चली गोली अभी भी मोनिका की खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों के जहन में एक सवाल आने लगता है कि जब सुनील मोनिका से इतना प्यार करता था, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सुनील ने मोनिका की जान ले ली। पुलिस भी मर्डर के मोटिव का पता लगाने के लिए सुनील से मोनिका की हत्या के पीछे का कारण जानने की कोशिश करती है। इस पर सुनील खुलासा करते हुए कहता है कि दरअसल वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था, मगर काफी कोशिशों के बावजूद कनाडा जाने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान उसकी दोस्ती मोनिका से होती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है, तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नजदीकियां बढ़ाने लगता है और इस जुगाड़ में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी, वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसे भारत बुलाता है और उससे शादी करता है। वो अपनी शादी को बजाबते कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवाता है। चूंकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीजा नहीं मिलता है, इस कारण एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने वाला प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगता है। इसके अलावा शादी के बाद जब दोबारा मोनिका कनाडा से भारत वापस आती है, तो वो वापस कनाडा जाने से मना करने लगती है। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई, तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा वापस जाने की जिद करता था, जबकि मोनिका किसी भी हाल में भारत में ही सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी बात पर इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहां तक बिगड़ गए कि एक दिन तैश में आकर सुनील ने मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को दबा दिया। सुनील अपने इस गुनाह को छुपाने की जी तोड़ कोशिश करता है, मगर वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल केस की स्थिति की बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के भी मामले चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुनील पर पहले से भी हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद सजा के ऐलान का इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वालों ने 7 अन्य लोगों पर भी मोनिका की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस उन आरोपों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा मामले में पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि सुनील को उसके किए की क्या सजा मिले। फिर भी आपके अनुसार आरोप सिद्ध होने पर सुनील को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।